बच्चों कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को यूजी सेमेस्टर 2 आपका आईबीएस का देखिए जो पेपर है उसमें से मैंने आपको दो लेक्चर कंप्लीट करवा दिए थे जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे वो मैंने कंप्लीट करा दिए। बाकी देखिए जो भी सवाल इंपॉर्टेंट रह गए थे वो मैं आपको यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलते रहे। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए वेब डिजाइनिंग यूजी सेमेस्टर 2 का मैंने आपको 5 क्वेश्चन पहले करवा दिया था, डिफरेंशिएट बिटवीन एल्गोरिथम, ये 5 सवाल हमारे कंप्लीट हो चुके थे। अब बचे हुए जो सवाल थे वेब डिजाइनिंग के वो बता रहा हूं, जिसमें पहला ही सवाल है कि व्हाट आर डीबगिंग टेक्निक्स। डीबगिंग टेक्निक्स क्या होता है ये आपको क्या करना है बताना है। अगला सवाल है VBA, पहला तो कमेंट सेक्शन बताना है VBA क्या होता है। वेब डिजाइनिंग आप लोग कर रहे हैं भाई, मैं नहीं कर रहा, पढ़ना आपको है। VBA क्या होता है, इसके क्या फीचर्स होते बताने, ये सवाल बड़ा सवाल आएगा एग्जाम में, याद रखिएगा क्योंकि इसके बारे में आपको लिखना भी है। देखिए पॉइंट वाइज लिखिएगा, मैं एग्जाम में बार बार बोल रहा हूँ पॉइंट वाइज लिखिएगा क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी के जो टीचर है ना वो थोड़ा सा कह सकते कॉपी चेक ही नहीं होता तो क्या करेगा। इसके पॉइंट वाइज लिखिए तो उनको लगेगा यहाँ बच्चा पढ़ा हुआ है, नॉलेज है उसको, तभी लिख सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये पॉइंट अच्छा बचकर लिखिएगा। फिर अगला है राइट एंड ओवरव्यू ऑफ एक्टिव एक्स डाटा ऑब्जेक्ट। एक्टिव एक्स डाटा ऑब्जेक्ट का जो ओवरव्यू होता है उसके बारे में हमें क्या करना बताना है, ठीक है। ये वाला सवाल भी अच्छा खासा है। राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ लेयर, एक लेयर को कैसे क्रिएट किया जाता है ये आपको क्या करना है बताना है। राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ लेयर। फिर अगला हमारे पास व्हाट इज MVC आर्किटेक्चर। MVC आर्किटेक्चर क्या होता है इसके बारे में क्या करना है आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 रहा। तो टोटल हमारे पास वेब डिजाइनिंग का मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। ये वाला पहला सवाल रहा एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, दूसरा वेब सर्वर उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, तीसरा सवाल कंसेप्ट क्या है पॉपअप बॉक्सेस जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट और कह सकते हैं एप्लीकेशन क्या है वेब के लिए उसका, पांचवा सवाल मैंने आपको बताया था प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग में क्या अंतर होता है, और अभी मैंने जस्ट आपको 5 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। डीबगिंग टेक्निक्स, VBA, एक्टिव एक्स डाटा ऑब्जेक्ट, क्रिएट कैसे कर लेयर क्रिएट कर सकते हैं, और हमारे पास MVC आर्किटेक्चर। आप विश्वास नहीं होता आप जाकर सिलेबस चेक कर लीजिए, आपको एक एक पॉइंट जाकर सारा का सारा मिल जाएगा सिलेबस, आपको ये सवाल उठाया हुआ है। अब जैसे बच्चों का कंप्यूटर नेटवर्क एंड मैनेजमेंट बहुत सारे बच्चों का रखा हुआ है तो उनका भी सवाल देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते चलता हूँ। ये पहला बता दिया था मैंने, 1, 2, 3, 4, 5 सवाल उनको भी बता दिए थे। छठा सवाल स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज HFC मैनेजमेंट। पहले बात तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि HFC मैनेजमेंट का फुल फॉर्म क्या होता है, ये कमेंट बॉक्स में आपके लिए मैंने छोड़ दिया, इसका फुल फॉर्म बस बताना है, बाकी HFC मैनेजमेंट के बारे में आपको खुद लिखना है एग्जाम में। फिर अगला सवाल है आपसे बच्चों के लिए कि हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर नेटवर्क फ्रॉम वायरस अटैक। ये सवाल तो बच्चा देख कंप्यूटर नॉलेज इसको वो तो लिख लेगा कि वायरस अटैक से बचाना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप एंटीवायरस लगा सकते हैं, सिस्टम में बहुत सारा ऐसा चीज रहता है, एंटीवायरस से बचाने के लिए अपने सिस्टम को क्या करते हैं, किस प्रकार बचा सकते हैं, ये पॉइंट लिखना है। और ये थोड़ा बड़ा सवाल है, इसे बड़ा कर लिखिए एग्जाम में, याद रखना है। VPN बताइए आप लोग इस्तेमाल भी क्यों होंगे, जब पबजी बैंड हो गया होगा बहुत सारे बच्चों ने तो VPN का क्या यूजेस होता है, सॉरी कंसेप्ट क्या होता है ये आपको बताना है। ये 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर। अगला सवाल है DNS सर्वर क्या होता है और DNS सर्वर के बारे में बताना है, मतलब उसका डेफिनेशन लिखना है, थोड़ा बड़ा करके लिखिएगा ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर UTM एंड फायरवॉल जो होता है वो क्या होता है बताना। और ये सवाल भी देखिए दो पॉइंट वाले, पॉइंट मतलब क्या, पहले UTM का डेफिनेशन लिखिएगा फिर फायरवॉल का डेफिनेशन लिखिएगा, इस प्रकार लिखिएगा। तो ये 10 सवाल हमारे इसके भी कंप्लीट होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क मैनेजमेंट जिन्हें बच्चों रखा था, पहला सवाल था कंसेप्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंटरनेट, दो सवाल था वर्किंग प्रिंसिपल क्या प्रॉक्सी सर्वर का और इसके क्या फीचर्स बताने, तीसरा सवाल मैंने आपको डिस्कस किया था वायरस और इसके प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं एंटीवायरस लगा के, ये बताना है। कमिटेड बैंडविड्थ क्या होता है, ब्रॉडबैंड एक्सेस टेक्नोलॉजी और ब्रॉडबैंड एक्सेस नेटवर्क दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये बताना है। और 5 सवाल तो अभी जस्ट मैंने आपको डिस्कस किया। तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर नेटवर्क एंड हार्डवेयर, ठीक है। कंप्यूटर एंड हार्डवेयर जिन भी बच्चों का है उनका जो सवाल था ये मैंने आपको 1, 2, 3, 4, 5 सवाल करवा दिए थे, बाकी अच्छे सवाल यहाँ लिख दिया गया। देखिए ये जो सवाल लिखा हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेजेस, बताइए ये वाला तो आपने पढ़ा ही होगा कंप्यूटर। देखिए मेरे बात होता क्या है ना कि हमारे झारखंड में पढ़ाई नहीं होता, सही बात बताओ, CBSE स्कूल में बोलिए उसको कंप्यूटर का कोई नॉलेज नहीं रहता, कुछ ही गिने चुने बच्चों को नॉलेज रहता, बाकी सब बच्चा लोली चलता है। हम जैसे हम लोग कंप्यूटर को जैसे कोई ज्यादा समझते नहीं। हाई लेवल और लो लैंग्वेज के बीच में डिफरेंशिएट लिखना है, तो डाटा पहले मतलब बीच में लाइन खींचेगा, इधर 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 ऐसे करके लिखिएगा, ठीक है। इधर हाई लेवल मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, इधर लो लेवल, ठीक है, इधर लिख दीजिएगा। उसके बाद जो पॉइंट वाइज लिखना चाहते हैं आप लिख दीजिएगा, इधर हाई, इधर ये मत लिख दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, समर के पास 6 लेटर होते हैं, विंटर के पास 6 लेटर, इस तरह लिखिए, डिफरेंस होता है अंतर लिखना है, रियलिटी वाला लिखिएगा, ठीक है। तो हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज के बीच में अंतर लिखना है। फिर राइट सम यूजेस ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन साइंटिफिक इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस। देखिए जो कंप्यूटर एप्लीकेशन होते हैं उनका क्या क्या इस्तेमाल है साइंटिफिक इंडस्ट्रियल में या फिर बिजनेस में, यह बताना है। कंप्यूटर एप्लीकेशन जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिर्फ हम लोग फोन के लिए क्या करते हैं,
पर इंटरनेट का यूज नहीं करते हैं, साइंटिफिक भी उसका बहुत सारा काम है, बिजनेस के पर्पज उसका बहुत है, उसी कामों को हमें क्या करना है इसका लिखना है। फिर अगला है किसी भी डॉक्यूमेंट में हम लोग पिक्चर्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ये सवाल तो आपने क्लास 8 में कंप्यूटर रखा हो तो उस बुक में भी आपको मिल जाएगा कि हाउ कैन यू इंसर्ट पिक्चर्स इन अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये सवाल एकदम मस्त है, एकदम अच्छे से कर लीजिएगा। व्हाट इज इंस्टॉलिंग डिवाइसेस, इंस्टॉलिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं आपको ये बताना है, कौन कौन से डिवाइसेस इंस्टॉल करते हैं ये भी बताना है, क्या नहीं सकते हैं। फिर कंट्रोल पैनल क्या होता है बताना है, बताइए व्हाट डू यू मीन कंट्रोल पैनल। तो इस प्रकार का देखिए आपका जो टॉपिक था हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क हार्डवेयर, ये हमारा आज जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, इसके प्रीवियस में 5 आपको बताए थे कंप्यूटर के वर्जन क्या है, आपको लेवल सोर्सेस क्या है हमारे पास सॉफ्टवेयर डाउनलोड और एंटीवायरस के, फिर इन हार्ड डिस्क के अंदर क्या रहता है, हार्ड डिस्क कैसे काम करता है, कनेक्टेड डिवाइसेस क्या होते हैं, इसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं और सॉफ्टवेयर के क्या क्या टाइप्स होते हैं, और ये हमारे आज का क्वेश्चन था। अगला है कंप्यूटर टाइपिंग का, जिसमें मैंने आपको पहले 5 सवाल बता दिया था, आज से 6 सवाल बताया था, आज 7वां सवाल हमारा शुरू होता है। व्हाट डू यू मीन बाय WWW, तो वर्ल्ड वाइड वेब से आप क्या समझते हैं, आप पहले इंटरनेट पर सर्च करते थे www.org.in या जो भी सर्च करते थे, आज उसका आपको फुल फॉर्म बताना क्या होता है क्या नहीं, साथ ही साथ के क्या क्या फीचर्स होते हैं ये बताने, तो डेफिनेशन वाइज पॉइंट वाइज जैसे लिखना चाहे ऐसे लिख सकते हैं। सर्च इंजन गूगल याहू, ठीक है, सबके सब क्या सर्च इंजन है, खोज वाला इंजन है, जहाँ आप खुद भी खोज रहे हैं। एंड हाउ कैन बी यूजफुल टू अस, आपको सोचिए ना अगर गूगल नहीं रहता तो क्या होता, इस पर हमारी आदतें खराब हुई है बात उसका जिंदर गूगल, लेकिन हमारे कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर शॉर्ट रूम में निपटा भी देता है गूगल। तो सर्च इंजन क्या है, इसकी इस प्रकार से हमारी यूजफुल होगा, ये सारी के सारे आपको बातों क्या करनी यहाँ पर बतानी है। अगला सवाल है इंटरनेट और इंटरनेट सर्वर के बीच में, देखिए एक सवाल होता है इंटरनेट, एक होता है इंट्रानेट, आपने क्लास 10th की बुक में देखा हो तो ये सवाल एक काम पूछ सकते हैं इंटरनेट और इंट्रानेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फिलहाल यहाँ लिखा हुआ है इंटरनेट और इंटरनेट सर्वर से आप क्या मतलब समझते हैं ये आपको बताना है। अगला है हमारे पास MS PowerPoint क्या होता है, और ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है, कम से कम 10 नंबर का सवाल है एग्जाम में, क्यों देखिए इंपॉर्टेंट है MS PowerPoint, आप जानते हैं बहुत बड़ा टॉपिक होता है भाई, आप जाकर सर्च करिए तो आपको पता चल जाएगा कितना बड़ा, पूरा चैप्टर नहीं रहता है क्लास कंप्यूटर का बुक देखें तो पूरा चैप्टर MS PowerPoint। ठीक है, फिर हमारे पास राइट द कंसेप्ट ऑफ डाटा ट्रांसफर, देखिए हम लोग जो डाटा ट्रांसफर करते हैं वायर के थ्रू या फिर वायरलेस मोड के थ्रू, वो किस प्रकार हमारे लिए कैसे है, क्या किस कंसेप्ट पे काम करता है ये हमें बताना है, तो ये वाला सवाल भी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने इससे प्रीवियस में आपको ये सवाल एक प्रकार करवाया था, दिखा देते हैं कहाँ चला गया कंप्यूटर टाइपिंग वाला रहिए इधर, अच्छा आए देखिए यहीं पर पहला सवाल क्या था गूगल ड्राइव, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, कंसेप्ट क्या है डोमेन नेमिंग सिस्टम का, ईमेल कम्युनिकेशन का, फिर हमारे पास सेल रेफरेंसिंग क्या होता है, लिंकिंग सेट क्या होता है, सॉर्टिंग वैलिडेशन फिल्टरिंग टाइप, QR कोड डाटा ट्रांसफर किस पर हेल्प करता है, देखिए डाटा ट्रांसफर का जुड़ा हुआ है हमारे पास, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, सॉरी यूजेज एडवांटेज ऑफ गूगल फॉर्म्स का क्या यूज हमें ये बताना है, और ये वाला सवाल जो मैंने आपको बताया डाटा ट्रांसफर का क्या हमारे पास, सॉरी किस प्रकार हम लोग केबल और वायरलेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं इसे कंसेप्ट बताना है ये आपको बताना है। तो ये कुछ सवाल थे आपके IBS पेपर के जो मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए, बाकी ये सब देखिए ऑफिशियल मैंने ये मैंने आपको प्रीवियस फूड बोल दिया था कि इन सभी बच्चों को लास्ट देखिए 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बता दिए थे, एकेडमिक एंड बिजनेस राइटिंग को बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो लिख लीजिएगा 5 क्वेश्चन था, साहित्य के वेबसाइट लेकर 6 क्वेश्चन था, ट्रांसलेशन शायद 7 क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किया था, 3 क्वेश्चन यहाँ टोटल 7 क्वेश्चन, मेंटल हेल्थ एडजस्टमेंट सेमेस्टर 2 का इसका भी मैंने टोटल आपको 5-6 क्वेश्चन डिस्कस किया था, पर्सनल डेवलपमेंट का पार्ट 2 था इसका नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस, इसका मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 सवाल मैंने आपको यहाँ डिस्कस कर दिया था। तो इस प्रकार देखिए IBS पेपर का जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 3 लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया, आशा करूंगा वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।